हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। करंट अफेयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन भी होगा, काफ़ी सिंपल एंड इजी वे में इसे एक्सप्लेन करूंगा। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया वो बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम आप तक पहुँच जाएँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले रोज़ की तरह आपको दो क्वेश्चन आंसर करने फ्रॉम प्रीवियस डे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली वॉन मैन बुकर प्राइज ऑफ 2018, तो ये प्राइज किसने जीता इसका आंसर आपको बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ मास्कट फॉर मैन हॉकी वर्ल्ड कप 2018 के हॉकी वर्ल्ड कप मास्कट क्या रखा गया। एंड साथ से ये भी बताना है कि ये कौन सी स्टेट में हो रहे हैं। एंड अब स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एंड आज का वीडियो लेट क्यों है इसका रीजन मैं लास्ट में ही बताऊंगा। एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिकॉज स्टैटिक पोर्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो आपको आंसर्स बताने मुझे। एंड जो कल का विनर होगा, जिन्होंने सबसे बेटर एक्सप्लेनेशन दिया अबाउट GST, उनका नाम भी हम लास्ट में ही अनाउंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहला क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 18 अक्टूबर को नारायण दत्त तिवारी कब 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किन दो राज्यों के मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त था। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो कौन से दो स्टेट्स के CM रह चुके हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, UP के वो 3 बारी CM रह चुके हैं एंड उत्तराखंड के 1 बारी CM रह चुके हैं। एंड इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई। देखो, इनकी डेथ इनके जन्म दिवस पे ही हुई, मतलब 18 अक्टूबर को ही इनका जन्म दिवस था एंड 18 अक्टूबर को ही इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है जी नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, अब बात आई उत्तराखंड एंड यूपी की। अब जो राइट नाउ CM है वो भी तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जो उत्तराखंड के राइट नाउ CM है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, एंड जो यूपी के हैं वो हैं सबको पता ही होगा योगी आदित्यनाथ। एंड उत्तराखंड की जो गवर्नर है उनका नाम है जी बेबी रानी मौर्य। इतनी चीज़ आपको याद देंगे फ्रॉम दिस क्वेश्चन। अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, द HD-1 सुपरसोनिक मिजाइल विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ फ्रॉम विच कंट्री। तो ये हाल ही में न्यूज़ में थी, तो ये आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री की मिसाइल है। ठीक है, काफ़ी पावरफुल मिसाइल है, माना जाता है कि ये हम जो ब्रह्मोस मिसाइल है उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो ये आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री की है। तो ये है जी ऑप्शन नंबर ए, चाइना की। ठीक है, एंड बात आई चाइना की, चाइना के बारे में आई होप सबको पता ही होगा। चाइना के जो प्रेजिडेंट शी जिनपिंग एंड वहाँ की जो करेंसी है रेनमिनबी एंड वहाँ की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। ठीक है, इतना आपको याद रखना है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, हु टुक ओवर एज द प्रेजिडेंट ऑफ ESCOM ऑन 17 अक्टूबर 2018। ठीक है, इसकी सबसे पहले तो फुल फॉर्म आप देख लो ये है क्या। इसकी फुल फॉर्म है जी एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, एंड इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1921 में। इतना तो आपको याद रख लो आप। एंड इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। एंड अब जो न्यू प्रेजिडेंट अपॉइंट हुए उनका नाम आपको बताना है। ठीक है, इनका जो नाम होगा जी, जो नाम अपॉइंट हो गए इनका नाम है बाल कृष्ण गोनिका। ठीक है, इनकी पिक्चर मैंने आपके सामने लगाई है, ये होंगे जी इनके न्यू प्रेजिडेंट। ठीक है, एंड इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट, आप इनको इसको याद रख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत सरकार ने किस राज्य में सुरंग से रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की है, जो देश का इस तरह का पहला रेलवे स्टेशन होगा। मतलब किसी स्टेट में ऐसा एक रेलवे की सुरंग बनाई जाएगी, रेलवे स्टेशन मतलब रेल की पटरी बनाई जाएगी जो सुरंग के बीच में होगी। तो मतलब ऐसा फर्स्ट स्टेट बनेगा जो हमारे इंडिया का इस टाइप का, वहाँ से रेलवे ट्रैक निकाला जाएगा। वही आपको बताना है कि वो कौन सा स्टेट बनेगा। ठीक है, तो कौन सा स्टेट होगा ये, तो ये होगा जी हमारा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बात है हिमाचल प्रदेश, इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है शिमला, एंड वहाँ के जो CM है जयराम ठाकुर, एंड वहाँ के जो गवर्नर हैं आचार्य देवदत्त। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस। अब करते हैं नेक्स्ट वन, हाल ही में भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी ATM कहाँ खोला गया, मतलब फर्स्ट इंडिया का क्रिप्टो करेंसी ATM खोला गया। तो ये आपको बताना है कि कौन सी जगह खोला गया। ठीक है, तो ये खोला गया जी बेंगलुरु में। ठीक है, एंड अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, तो ऐसी करेंसी होती है जो फिजिकली कुछ नहीं होती, जो हम सिर्फ कंप्यूटराइज करेंसी होती है। मतलब आपके पास वो करेंसी होगी, आप उसकी फिजिकली आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, जस्ट ये कोड्स के फॉर्म में ये करेंसी होती है। आप सबने बिटकॉइन के बारे में सुना ही होगा आई होप, तो उसी टाइप की ये करेंसी है। तो फर्स्ट ये ATM खोला गया, तो ये खोला गया जी बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर में कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर, एंड वहाँ के जो CM है HD कुमार स्वामी। तो इतना आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये खोला गया बेंगलुरु में।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली प्रोवाइडेड द जीवन जी आई टैग. ठीक है, तो जी आई टैग अभी ये रिसेंटली किसी को दिया गया, किसी मतलब ये जी आई टैग दिया कहाँ का जाता है, कोई वहाँ की किसी चीज़ की स्पेशलाइज होती है ना, मतलब किसी स्टेट का कुछ पर्टिकुलर फ्रूट हो या कुछ भी चीज़ हो तो उस जगह को मतलब जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग दिया जाता है जिसका जिसको हम बोलते हैं जी आई टैग. तो ये आपको बताना है कि ये कौन सा दिया गया. देखो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ में और भी था, अल्फोंसो मैंगो को भी दिया गया था, तो वो भी आपको याद रखना है. एंड इस क्वेश्चन में देखो अल्फोंसो मैंगो भी मैं बता देता हूँ, अभी रिसेंटली वो भी न्यूज़ में था, तो वो था जी वो महाराष्ट्र के आसपास के एरियाज़ में मिलता था अल्फोंसो मैंगो, वो भी आपको याद रखना है. एंड इस क्वेश्चन का जो अभी रिसेंटली फिर से दिया गया वो दिया गया जी लीची ऑफ मुजफ्फरपुर. ठीक है, ये कहाँ पे बिहार साइड में पड़ता है, ये लीची ऑफ मुजफ्फरपुर. तो मैंने पिक्चर सामने लगाई है, मतलब अगर किसी जैसे कश्मीर के एप्पल हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वहाँ के एप्पल काफ़ी ज़्यादा फेमस है. ठीक है, इसी टाइप की जो लीची मुजफ्फरपुर की है फेमस है, तो उनको जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग मिल गया. तो इतना आपको याद रखना, लीची ऑफ मुजफ्फरपुर बिहार में. ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट वन. हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हैंड इन हैंड अभ्यास फिर से शुरू किया. ठीक है, हैंड इन हैंड एक एक्सरसाइज होती है, ये आपको ये बताना है कि इंडिया ने अब ये फिर से शुरू किया, मतलब 2016 में हुआ था, 2017 में नहीं हुआ, एंड 2018 में फिर से हो गया. तो ये किस कंट्री के साथ हुआ ये आपको बताना है. तो हैंड इन हैंड प्रैक्टिस इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना. ठीक है, एंड अबाउट चाइना मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में देश का पहला धुआं मुक्त राज्य कौन सा बनने जा रहा है, मतलब धुआं मुक्त मतलब बिल्कुल धुआं नहीं होगा उस स्टेट में, आपको ये बताना है. एंड होगा किस बेसिस पे, देखो ये इसलिए इसको वहाँ का घोषित कर दिया जा रहा है बिकॉज वो पूरा स्टेट 100% टोटल लोगों को एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड कर दिए गए. ठीक है, वहाँ कोई अब लकड़ी के साथ लकड़ी को जला के खाना नहीं बनाएगा. ठीक है, तो इस टाइप से ये है कि सारी स्टेट में एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड कर दिए गए जितनी भी पॉपुलेशन है. तो ये कौन सा राज्य है, यह है जी हमारा ऑप्शन नंबर ए केरला. ठीक है, जो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट भी केरला के, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग भी वहीं के होते हैं. एंड सीएम जो हैं जी पिनाराय विजयन, एंड गवर्नर है पल्लवस्वामी सनीस्थवत. ठीक है, मैंने नाम आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो. सो देखो ये आज के इंपॉर्टेंट हो गए सारे करंट अफेयर्स. एंड अब आपको बताना है मुझे जो स्टैटिक पोर्शन जो आपको मैं आपके साथ डेली शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है. तो आज का टॉपिक मैंने लिया है इंपॉर्टेंट डेज जो अक्टूबर के हुए हैं. ठीक है, इन सब के आंसर्स आपको मुझे बताने हैं इन डिटेल में बताएंगे आप जितने भी हैं 7-8 हैं, आपको सबको ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक के वो आपको बताने. वर्ल्ड हैबिटेट डे कौन सी डेट को होता है आपको ये बताना है. नॉन वायलेंस डे गांधी जयंती सबको पता है, नॉन वायलेंस डे भी आपको पता होना चाहिए. इसके बाद वर्ल्ड टीचर्स डे कौन सा कब होता है, कौन सी डेट को हम करते हैं सेलिब्रेट. इसके बाद एयरफोर्स डे कब होता है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब किया हमने ऑब्जर्व. देन वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, ठीक है, एंड गठिया जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. देन नेक्स्ट वाज इंटरनेशनल डे फॉर एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, तो ये हमने कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया. इन वीडियो को पॉज करना आपने, देन उसके बाद आपको इनके आंसर्स मुझे इन कमेंट बॉक्स बताने इन डिटेल. ठीक है, एंड जो कल का हमने वीडियो रखा था जिसका टॉपिक जो हमारा था जीएसटी, उसके बारे में बता देता हूँ. एंड सबसे बेटर एक्सप्लेनेशन जो मुझे लगा, काफ़ी स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, बट जो सबसे बेटर मुझे लगा वो लगा रूपाली शर्मा का. ठीक है, इन्होंने पूरा डिटेल में बताया. देखो सबसे पहले जो इन्होंने क्यूज के आंसर्स बताए, सबसे पहले इन्होंने लिखा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सब्ज्यूम्स ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे सबको सब्ज्यूम्स कर लिया. उसके बाद जीएसटी कब इंप्लीमेंट, कौन सी कंट्री में फर्स्ट इंप्लीमेंट हुआ था, ये हुआ जी फ्रांस में. एंड कौन से जीएसटी मॉडल किस पे बेस्ड है, हमारा कैनेडियन मॉडल पे. ठीक है, देन उसके बाद किसकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, विजय कैलगर कम्युनिटी इन 2005. देन उसके बाद कब हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट हुआ था, ये हुआ थी 1 जुलाई को 2017 में ऑल ओवर द कंट्री एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में 7-7 को हुआ था. ठीक है, मतलब कुछ दिनों बाद हुआ था. देन उसके बाद फर्स्ट स्टेट मतलब जिसने रेटिफाई किया था वो था जी आसाम बना. ठीक है, एंड उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर हैं वो जी अमिताभ बच्चन. जीएसटी डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट करते हैं, 2018 से स्टार्ट हुआ, ये हुआ 1 जुलाई को जिस दिन जीएसटी लगा था. ठीक है, एंड कौन से अंडर आर्टिकल लगा, 279A. एंड इसके बाद कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 101. ठीक है, एंड उसके उसको हेड कौन करता है, वो करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर जो राइट नाउ है हमारे अरुण जेटली. एंड टैक्सेस कितने स्लैब्स हैं, 5 स्लैब्स लाइक 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%. ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी. एंड एक और एक्सप्लेनेशन भी जो मुझे काफ़ी बेटर लगा था, जिन्होंने कैटेगरीज भी बताई थी जहाँ जहाँ टैक्सेस लगते हैं, मतलब लाइक पेट्रोलियम एंड इस पे जीएसटी नहीं इंप्लीमेंट हुआ बिकॉज ये स्टेट के टैक्सेस पे लग रहे हैं, वहाँ पे वैट लग रहा है. ठीक है, वो एक एक्सप्लेनेशन भी था, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा किसका था, काफ़ी स्टूडेंट्स ने अच्छे एक्सप्लेनेशन दिए. ठीक है, फिलहाल तो ये हो गया आज का वीडियो. एंड आज वीडियो लेट क्यों है, रीज़न ये है कि मैं
एक्चुअली मैं मॉर्निंग में ही वीडियो सारा प्रिपेयर करके सब रेडी था, वीडियो अपलोड करने वाला था, बट कुछ प्रॉब्लम आ गई थी मेरे डेस्कटॉप पे, मेरे लैपटॉप पे प्रॉब्लम आ गई थी, तो उस वजह से मुझे ये फिर चल ही नहीं रहा था, मतलब काफ़ी कोशिश की एंड उसके बाद फिर फाइनली इसको रिपेयर करवाया एंड राइट नाउ अभी पहुँचा, तो देन आई अपलोडेड द वीडियो। ठीक है, तो फिलहाल आपको वीडियो आई होप आपको पसंद जरूर आया होगा। कल की वीडियो मॉर्निंग में ही अपने टाइम पर अपलोड होगी, 6:30 या 6 बजे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, अंटिल टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।